तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रणव सिंगल और आज मैं आपको फाइनल यू वाली वीडियो ला के दे रहा हूं भाई की थिंग्स आई लव अबाउट वैगनर। इस वीडियो के लिए भाई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास जब से मैंने वो वाली वीडियो बनाई है ना कि टॉप थिंग्स दैट आई हेट अबाउट वैगनर, मतलब ऐसी कुछ टॉपिक के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो जब से मैंने वो डाली ना भाई, जब से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास इस वीडियो को बनाने के लिए। तो भाई मैं ऐसे कुछ सिस्टम तो करूँगा जैसे बहुत ज़्यादा क्रिएटर हैं आजकल ऐसे करते हैं कि मतलब पहले एक वीडियो बना दी एक फीचर पे, फिर दूसरी वीडियो बना दी दूसरे फीचर पे। भाई ये अच्छा नहीं लगता यार कि आपका भी टाइम ख़राब हो और कि मैं भी अपना टाइम ख़राब करूँ एडिटिंग वगैरह में। तो भाई वो चीज़ भी बढ़िया लगती है, मतलब भाई समझ रहे हो ना। तो चलो पहले फ़ीचर पर आता हूँ मैं भाई जल्दी से। तो पहला फ़ीचर जो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है इसका, वो लगता है भाई इंटीरियर की जो क्वालिटी है ना भाई इसकी। भाई देखो इंटीरियर देखो भाई, अपना आप ही गजब का लगता है इंटीरियर देखने में। देखो आप देख लो भाई सही से इंटीरियर जो भाई क्वालिटी है, क्वालिटी भी सही है, मतलब इतना हार्ड प्लास्टिक यूज़ नहीं करा गया इसमें जैसे होता i20 में, नई वाली i20 में देखा है कि यहाँ भाई बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक है इसमें। ऐसे मतलब इतनी हार्ड भी नहीं है, प्लास्टिक है पर इतनी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक नहीं है इसमें। दूसरे नंबर पर ये है कि ये जो देख रहे हो ना डैशबोर्ड भाई, देखना कितना आगे तक है, आगे यहाँ से लेके यहाँ तक है भाई पूरे में। तो भाई ये देखो आप कितनी ज़्यादा जगह है भाई डैशबोर्ड के लिए। स्कॉर्पियो और XUVs तो बढ़ी है, ये जो स्कॉर्पियो XUV आती हैं उन सबसे भाई स्कॉर्पियो में तो फिर भी मतलब क्या भाई, स्कॉर्पियो का तो कुछ है ही नहीं डैशबोर्ड। स्कॉर्पियो में तो यहाँ पे स्पीड है, स्पीड के बाद यहाँ पे ख़त्म शीशा, उसके बाद आगे सीधे वो बोनेट। भाई अगर इसका भी मारुति वाले अगर इस गाड़ी का भी अगर ये डैशबोर्ड कम कर लेना तो भाई इसकी भी जो बोनेट का साइज है ना भाई वो i20 जितना हो जाएगा। मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, मैंने अपनी बता दी कि भाई डैशबोर्ड जो है वो मेरे को इसका बहुत ज़्यादा सही लगता है स्कॉर्पियो के मुकाबले। कह रहा हूँ भाई मैं कि स्कॉर्पियो का ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना बाकी गाड़ियों का आता। मैं सिर्फ वैगनर का नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब जितनी भी गाड़ी आती है, स्विफ्ट होगी, i20 होगी, क्रेटा होगी, कि भाई जितनी गाड़ी आती है आप इनोवा देख लो, फॉर्च्यूनर देख लो भाई, उनमें बोनेट के साथ साथ अंदर का डैशबोर्ड ही बहुत ज्यादा देते हैं ये। पर भाई स्कॉर्पियो में तो बिल्कुल भी नहीं है डैशबोर्ड की। भाई बाकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस, अब जो जैसा जिसको जो पसंद है भाई कंपनी वही चीज़ बना के दे रही है, लोग खरीद रहे हैं तो भाई कंपनी बना रही है। अब भाई जिसको जो बढ़िया लग रहा है भाई वो ले रहा है वो चीज़। मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। तो भाई दूसरा पॉइंट ये है कि भाई पिकअप बहुत तगड़ा भाई इसका, मतलब पंजा दाबते ही ना भाई ऐसे भागती है गाड़ी जैसे पता ना भाई किसने पुश दे दी हो आगे से। तो भाई पिकअप जो है मैंने इसके बारे में मतलब वीडियो बना रखी है पहले भी कि 0 to 100 वाली बना रखी है एक मैंने कि top 10 कार्स में भाई, उसमें भी मैंने मतलब बीच में एक बार आपको करके दिखाया था कि मतलब एक साथ 100 तक पहुंच गई थी गाड़ी। तो मतलब भाई पिकअप जो है ना तगड़ा भाई गाड़ी का। आता हूँ तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस। आप खुद देख लो भाई, देखो मैं पीछे आकर दिखाता हूँ सही से। देखो आप ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना भाई इसमें हमें मारुति वाले ऑफर करते हैं 165 mm का, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है कंपनी। और जो इसके मतलब आसपास की प्राइस रेंज वाली गाड़ियां हैं, स्विफ्ट हो गई और i10 हो गई भाई, इन सब में भी ना इससे मतलब 5-10 mm कम की ग्राउंड क्लियरेंस देती है बाकी कंपनियां। एक तरीके से देखा जाए तो भाई सही है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है कम प्राइस रेंज में। और कि अगर आप कहीं पहाड़ वहाड़ पर ले जाना चाहें तो सही भाग लेगी अपने, कहीं अटकेगी नहीं रास्तों में। तो 3 पॉइंट हो गए। अब मैं आता हूँ चौथे पे। और अब अगर हम बात कर ही रहे हैं कंपटीटर की भाई, तो ये पॉइंट भी एक माना जाएगा अगला पॉइंट जो है कि मतलब भाई जो इसके कंपटीटर है ना आसपास जो इसकी प्राइस रेंज में है भाई, कि उनमें बहुत ज़्यादा बिक रही है इस टाइम भी। जैसे सेंट्रो हो गए भाई, सेंट्रो तो कोई ले नहीं रहा नहीं वाली जब से आई है। बाकी i10 हो गई भाई, i10 भी ज़्यादा है नहीं, i20 पे ज़्यादा जाते हैं लोग। और बाकी स्विफ्ट वगैरह तो भाई स्विफ्ट का जितने में इसका टॉप आता है वैगनर, कितने में स्विफ्ट का सबसे नीचे वाला भी नहीं आता। तो मतलब कोई कॉम्पिटिटर भाई इसका है नहीं है इसके आसपास कोई भी प्राइस रेंज में, इसकी टक्कर की कोई गाड़ी अभी तक है नहीं। तो ये भी एक पॉइंट माना जाएगा इसका। पॉइंट हो चुके हैं, मैं आता हूँ पांचवे पॉइंट पे। तो भाई इसकी ना एसी की जो कंपेटिबिलिटीज़ है ना भाई वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एसी की भाई जो कंपेटिबिलिटी है ना भाई वो बहुत तगड़ी है। मतलब ये बहुत आसानी से इसका जो एसी है ना, अगर गर्मी है भाई, वैसे सही में बहुत गर्मी है, तो इसका जो एसी है ना भाई 2 नंबर पे भी अगर चला दिया ना तो अपने 2 नंबर पे मतलब ये आसानी से बहुत जल्दी कर देती है भाई ठंडक गाड़ी अंदर पूरे कैबिन में अपने, आगे चले गए पीछे वालों के लिए पूरी गाड़ी में भाई आसानी से ठंडक हो जाती है अपनी। मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं इसे ठंडा करने में अपना 2 नंबर अगर एसी चल रहा। और भाई एवरेज भी अपना सही निकाल देती है, वो भी एक नेक्स्ट पॉइंट में बताऊँगा आपको कैसे कैसे। तो अब बात हो गई है 5 पॉइंट की, अब मैं आता हूँ 6ठे पॉइंट पे।
ये भेड़ बकरी कैसे आ गई भाई। अब क्या कैसे बनाऊं वीडियो, मैं आता हूँ छठे पॉइंट पे। तो भाई जो इसमें साउंड सिस्टम मिलता है ना कंपनी से, जो स्टॉक आता है पहले से ही भाई, वो बहुत तगड़ी क्वालिटी की है, आपको चेंज करवाने की जरूरत नहीं। और मैंने भाई देखा है जितनी भी गाड़ी आती है ना मारुति वगैरह की, इनमें भाई जो साउंड सिस्टम देते हैं ना कंपनी वाले, वो बहुत तगड़ी क्वालिटी के देते हैं अपने हिसाब से, सब इक्वलाइजर वगैरह सब चीज़ों के साथ करके एकदम मिक्स। तो ना मतलब अगर आप ज़्यादा शौकीन नहीं हो ना, बहुत ज़्यादा एकदम तगड़े लेवल वाले क्वालिटी के शौकीन नहीं हो भाई गाड़ी सुनने के गाड़ी में, तो भाई आपको चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप भाई ऐसे हो मतलब आपको सुनने भाई एकदम धम 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 बेस वाले गाने, तो भाई आप करवा सकते हो चेंज। बाकी तो मैं ये कहूँगा भाई जो कंपनी से आते हैं ना स्टॉक स्पीकर, इनकी भाई जवाब नहीं है इनकी क्वालिटी। देखो मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ, 18 नंबर पे है। तो देखो भाई ये मतलब सही तगड़ी क्वालिटी निकाल देते हैं, अपने बेस वगैरह भी सही आ जाता है, 40 नंबर तक मैक्स आवाज है इसकी, और 18 नंबर पे भाई सुनाई जाते गाने बैठ के। तो भाई मतलब कंपनी से जो आ रही ये चीज वही चीज बढ़िया भाई, आपको अलग से कुछ आफ्टर मार्केट करवाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो सातवां पॉइंट ये है कि अगर अभी तक आपने ये चीज जो है ये आपने यहाँ से लेके अभी तक ये ग्रे नहीं करी है सब्सक्राइब बटन को, तो भाई कर दो यार, बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में आजकल। तो फिर सातवें पॉइंट पर आ ही जाता हूँ मैं। सातवां पॉइंट ये है कि भाई मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने, और कि एकदम एंड टाइम पे आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, मतलब कोई मतलब फेलियर हो गया इंजन वगैरह में कुछ, तो भाई आपको ना इसके मकैनिक कहीं भी मिल जाएंगे, और मकैनिक भी मिल जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि भाई जो इसके पार्ट होते हैं ना, अगर मान लो कोई पार्ट ख़राब ही हो गया मतलब बदलवाना ही पड़ेगा, तो भाई वो पार्ट बहुत कम कॉस्ट में और एकदम टिकाऊ क्वालिटी के भाई कहीं भी मिल जाएंगे आपको टेम्पररी, अगर आपको अभी काम से जाना नहीं मिल रहे हैं ना, जैसे कोई भी गाड़ी है अब भाई होंडा हो गई किया हो गई, भाई किया को तो बहुत दूर की बात है किया, तो अब जैसे होंडा भी मान लो, तो भाई होंडा के भी ना हर जगह पार्ट अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप कहीं गए हो और अगर आपकी गाड़ी ख़राब हुई, तो भाई आप कहीं टेम्पररी काम करवाओगे तो भी गाड़ी आपको आसानी से आपकी जगह तक पहुँचा देगी। तो ये भाई एक पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसके। तो अब हो गए सात पॉइंट, अब मैं आता हूँ आठवें पॉइंट पे। तो आठवां पॉइंट ये है भाई, देखो इसमें जो सिटिंग कंफर्ट है ना भाई वो बहुत तगड़ा है, इतनी मतलब इस हैचबैक में भाई जितनी भी गाड़ी आती हैं सबसे ज़्यादा सिटिंग कंफर्ट इसी में मिलता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखो जैसे मैं बैठूँ, देखो मैंने एकदम ये सीट देखो अपने हिसाब से एकदम फुल सेट कर रखी, एकदम पीछे है सीट, मतलब इतनी जैसे मैं बैठता हूँ ना मेरी हाइट 6 फुट है कुछ, तो मतलब उस हिसाब से मैंने दोनों सीट ऐसी कर रखी है एक जैसी, तो मतलब देख लो आप इतनी जगह मिलती है, अब भी मतलब इतनी है जगह कि मैं आराम से भाई अगर कोई 6-2, 6-3 का भी है तो भी आराम से बैठ जाएगा। तो देखो हेड रूम भी मैं दिखाता हूँ, तो भाई हेड रूम भी मैं दिखाता हूँ, इतना हेड रूम मिलता है हमें आसानी से। तो मतलब 6 फुट 2 या 6 फुट 3 इंच वाला भी कोई है ना आदमी, तो भाई वो भी आराम से अपना बैठ सकता बिना किसी दिक्कत के। और देखो भाई इतनी जगह मिलती है मेरे जैसे भाई, अभी यहाँ पे 3 हम बैठ सकते हैं, तो 3 जने बैठ जाएंगे, और भाई ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है ना। देखो मैं बैठ गया, अब अगर ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं जाना हो, अगर यहीं अभी 30-35 किलोमीटर भाई अगर कहीं ड्राइव वगैरह करना हो, तो भाई 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं पीछे वाली सीट पे। तो मतलब भाई बहुत सही कम्फर्ट मिल जाता है रियर सीट वालों को भी। तो अब हो गए 8 पॉइंट, अब मैं आता हूँ 9वें पॉइंट। 9वां पॉइंट ये है भाई कि देखो आप जितने भी मारुति जो नेक्सा वाली गाड़ी है, 3 गाड़ी आती है नेक्सा में, बलेनो, सियाज और एक XL6, इन तीनों को छोड़ के आप कोई सी भी गाड़ी देखो मारुति की, तो भाई आपको जितनी भी गाड़ी आएंगी ना मारुति की, इस टाइम क्योंकि डीजल तो बंद हो गया है, तो आपको अब जितनी भी गाड़ी मिलेंगी ना मारुति की वो सब भाई आपको मिलेंगी CNG में कंपनी फिटेड। तो भाई जो CNG दे रही है कंपनी, जब कंपनी वाली खुद CNG में दे रहे हैं, तो भाई कुछ ना सोच समझ के दे रहे होंगे, तो भाई मतलब एवरेज जो निकालती है ना गाड़ी भाई, मतलब 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से भी सस्ती पड़ जाती है CNG में मारुति की गाड़ियाँ चलाने में AC के साथ। तो भाई आप खुद देखो मतलब भाई माइलेज का और क्या ही करोगे आप, माइलेज भाई इतना ज़्यादा मिल रहा आपको भाई, जहाँ तेल डीजल के दाम जा रहे हैं भाई 100-100 से ऊपर एक एक लीटर के लिए भाई, अब आपको जहाँ 300-400 रुपये में आपकी गाड़ी की CNG फुल हो रही है और आप आराम से 200 किलोमीटर तक पहुँचा चला पा रहे हो मतलब गाड़ी को, तो भाई और क्या चाहिए, अपनी बाइक के खर्चे में चलती है गाड़ी और AC वगैरह सब है, सीटिंग वीटिंग के लिए भी मतलब सीट वीट भी सब बढ़िया ही हैं। अब मैं आता हूँ 10वें पॉइंट पे। तो भाई 10वां पॉइंट ये है कि भाई अगर आपको रीसेल करनी हो अपनी गाड़ी, तो भाई रीसेल की जो वैल्यू मिलती है ना मारुति की गाड़ियों की भाई, वो और कोई कंपनी नहीं दे सकती जितनी, मतलब आपको मारुति की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू मिल जाती है ना भाई, इतनी रीसेल वैल्यू कोई और कंपनी की गाड़ी आपको नहीं दे पाएगी। अगर आप मान लो जितने मतलब मतलब गाड़ी के जितने रुपये होने चाहिए ना, मतलब आप अगर 5 साल बाद 6 साल 7 साल 8 साल मतलब जब भी बेचने का मन है ना आपका गाड़ी का,
तो भाई उस टाइम पे कोई और गाड़ी आपको जितना देगी ना उससे दो गुना ज़्यादा दे जाएंगी मारुति की गाड़ियाँ आपको। तो भाई रीसेल वैल्यू अगर आपको चाहिए कि भाई बाद में मतलब मान लो कि आप गाड़ी के शौकीन हो और आप गाड़ी बदलते रहते हो हर 5-6 साल में या 4-5 साल में मतलब, तो भाई आपको ना ये गाड़ियाँ मतलब कम मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा रीसेल वैल्यू दे जाती हैं। तो 10 पॉइंट हो चुके हैं, अब मैं आता हूँ 11वें पॉइंट पे। तो भाई 11वां पॉइंट ये है कि रात के टाइम पे ना भाई जो ये हेडलाइट है ना आगे भाई इनकी जो क्वालिटी है ना भाई हेडलाइट की, भाई मैंने और किसी गाड़ी की देखी नहीं है इतने प्राइस में। मतलब भाई सामने का सब कुछ इतने तगड़े तरीके से भाई विजिबल होता है ना रात में, चाहे अगर कोई स्ट्रीट लाइट भी ऑफ हो ना सब, तो भाई आपको ना रात के टाइम में बहुत तगड़े तरीके से सब कुछ विजिबल होगा आगे का। तो भाई ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट में आती है भाई ये लाइट भी। तो अब मैं आता हूँ 12वें पॉइंट पर। तो भाई 12वां पॉइंट ये है कि देखो आगे से कितनी ब्रॉड लगती है भाई गाड़ी देखने में, जैसे भाई कितनी लंबी हो, है नहीं आके वैसे लंबी है नहीं, कैमरे कमाल है पर, लेकिन आप देखो तो भाई ब्रॉड तो लगती है गाड़ी, लंबाई की बात अलग है ब्रॉड लगती है भाई। ब्रॉड देखो मैं साइड से दिखाता हूँ, देखना लग नहीं रही भाई, बढ़िया नहीं लग रही गाड़ी देखना भाई, इतनी बढ़िया लगती है देखने में। तो ये सब पॉइंट हो गए भाई जो मेन पॉइंट थे। अब मैं जो एक दो पॉइंट और हैं जो मेरे मन में है पर लेकिन आप उन्हें काउंट कर नहीं सकते, मतलब वो ऐसे ही थोड़े बहुत पर्सनल प्रेफरेंस भी होते हैं वो पॉइंट। तो मैं आपको ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, कुछ कुछ दो हो सकता है कि आपके लिए नहीं हो वो, कि आपको कोई और रंग की हो या आपके दूसरे मॉडल में हो ये चीज़, तो भाई इसलिए वो पॉइंट मैं काउंट नहीं करूँगा, पर आप सुन लो एक बार वो क्या क्या पॉइंट है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है इसका कलर। भाई कलर हो सकता है आपने सफ़ेद ना लिया हो, कोई और लिया हो, पर भाई सही बताऊँ ना तो भाई सफ़ेद रंग जो होता है ना भाई हल्का सा हाथ मारते ही या कपड़ा मारते ही ना आप कहीं जाना तो भाई इजी टू क्लीन है, हल्का सा कपड़ा मारोगे तो गाड़ी एकदम साफ़ हो जाएगी। आप कहीं भी जाओ फिर भाई अपने 5-10 मिनट में गाड़ी हल्की सी सूखे कपड़े से पूछ के कहीं भी चले जाओ। तो भाई पहला पॉइंट इजी टू क्लीन है। अब मैं आता हूँ इसके दूसरे पॉइंट में जो पर्सनल प्रेफरेंस में आते हैं। तो भाई दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आपको रेयर वाइपर मिलता है जो कि भाई टॉप मॉडल है इस वजह से है। तो ये दो पॉइंट हो गए। एक आपको मिलते हैं 14 इंच के पहिए, 14 इंच के टायर साइज़ के मिलते हैं आपको 14 इंच साइज़ के, क्योंकि भाई ये भी टॉप मॉडल है इस वजह से मिलते हैं। एक आपको बॉडी कलर हैंडल मिलते हैं वो भी क्योंकि टॉप है। एक आपको बम्पर बॉडी कलर मिलते हैं वो भी क्योंकि भाई टॉप है। एक आपको इंटीरियर में इतनी अच्छी इंटीरियर आपको इसलिए मिलता है, इसमें मतलब इंटीरियर की क्वालिटी जो है ये सब चीज़ें हैं, ये स्टीरियो हो गया, ये बाकी ये सब चीज़ें हो गई, पावर विंडो हो गई चारों, ये सब आपको इसलिए मिलते हैं क्योंकि भाई ये टॉप है। आपको जो ये चीज़ है ये स्पीडोमीटर वगैरह ये आपको इसलिए अच्छी मिलती है क्योंकि भाई ये टॉप है। और भी आपको जो जो बढ़िया लग रहा है ना भाई वो इसलिए लग रहा है क्योंकि टॉप है। सीटिंग कंफर्ट देखो भाई, सीटिंग सीट मतलब सीट्स का भाई सीटिंग कंफर्ट भी आपको थोड़ा बहुत बढ़िया इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई ये टॉप है। और भाई ये गियर नॉब हो गया, स्टेयरिंग व्हील हो गया, बाकी जो भी चीज़ है भाई मतलब सब देख लो, ये इसलिए बढ़िया लगती है क्योंकि भाई ये टॉप मॉडल है इसका। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस पे, अगर आप पे टॉप नहीं है तो भाई आपके पास ये सब चीज़ नहीं होंगी इसमें गाड़ी में, अगर आपका टॉप है तो भाई आपको ज़रूर मिलेंगी ये सब चीज़ें। तो ये सब पॉइंट होते हैं पर्सनल प्रेफरेंस। हाँ एक पॉइंट होता है भाई बिल्ड क्वालिटी के बारे में इतना बढ़िया नहीं कह सकते पर लेकिन भाई फिर भी देखना भाई अलग ही आवाज़ आती है, मतलब गेट वेट बंद होने की, और गेट भी भाई ऐसे नहीं है बहुत हल्के गेट हैं, देखना गेट देखो भाई बहुत भारी गेट है, मतलब ये भी सही मतलब अपनी उसके हिसाब से प्राइस रेंज के हिसाब से भाई बहुत सही गेट ऑफर करती है कंपनी। तो भाई बस ये सब पॉइंट थे जो मेरे को लगा कि आपको बताने चाहिए। और भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, मैं भी 2 घंटे से भाई धूप में पच रहा हूँ अपने यहाँ, वीडियो बनाने के चक्कर में लोकेशन वगैरह देख रहा था मैं भी सुबह से। तो भाई लाइक वगैरह कर देना यार, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में और एडिटिंग में भाई अलग से। चलो टिकटॉक वाली लाइन तो मैं नहीं बोलूँगा। हाँ मैंने एक वीडियो बनाई है आज सुबह ही सुबह कि एक्सेसरीज जो मैंने लगवाई हैं, तो भाई उसमें ना थोड़ी बहुत प्राइसिंग जो है ना उसकी वो थोड़ी बहुत वेरी है। जिस टाइम वीडियो की एडिटिंग हो रही थी तो भाई उस टाइम में ना एक भाई और था मेरे साथ, तो मतलब उसने भी साथ में करी, तो उसको मैंने सही से मतलब प्राइस जो आपको मिलेंगे जो प्राइस करोल बाग में अगर आप जाके लोगे तो भाई आपको जो प्राइस मिलेंगे मैंने वो बताए हैं, और वीडियो में जो मैं प्राइस बताएं वो मैंने बताए जो मेरे को जितने में मिले हैं। तो भाई थोड़ी मतलब गलतफहमी ना हो इसलिए मैं बताता हूँ इस वीडियो में, और वो वीडियो आज मतलब 26 फरवरी को 5 बजे आने वाली है वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो भाई ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देखो भाई, वीडियो बताना कैसी लगी एक्सेसरीज में भाई। वो मतलब ऐसी एक्सेसरीज है जो मेरे को लगता है कि भाई आपको लगवानी चाहिए अपनी गाड़ी में, जो आपको मतलब गर्मी के टाइम में, और गर्मी के वैसे भी आपको बढ़िया ही लगेंगी भाई, वो ज़्यादा महंगी एक्सेसरीज भी नहीं आती, पर ऑनलाइन मत मंगवाना बस, लुटवाना ही है भाई ऑनलाइन, तो एक ऑनलाइन मत मंगवाना, मंगवाना तो भाई ऑफलाइन लेना, मतलब अपने थोड़ी बहुत मेहनत करके भाई लिया ना, खाम खामे 1000-1500 का चूना लग जाएगा आपको। तो भाई बस चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।